दोस्तों, वास्तु शास्त्र में धन की प्राप्ति या नुकसान के लिए हमारी आसपास की चीजें काफी हद तक जिम्मेदार मानी जाती हैं। कहा जाता है, अगर हमारी आसपास की चीजें सही हैं, तो भाग्य भी हम पर मेहरबान रहता है। वास्तु शास्त्र में भी ऐसी 5 चीजों के बारे में बताया गया है, जिन पे अगर हम ध्यान न दें, तो हमें अपनी जिंदगी में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मैं हूँ हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सबसे पहले दोस्तों, वास्तु शास्त्र के मुताबिक फटा हुआ और खाली पर्स किसी को भी नहीं रखना चाहिए। फटा हुआ पर्स या खाली पर्स अपनी ओर नेगेटिविटी को खींचता है। इसी कारण से हमें कभी भी अपने पर्स को खाली नहीं रखना चाहिए। कम से कम उसमें कुछ पैसे हमेशा जरूर रखें। और अगर आपका पर्स फट गया है, खराब हो गया है, तो उसे तुरंत बदल दें। तो दोस्तों, अगर कोई फटा हुआ पर्स यूज करता है, तो उसे तुरंत आज ही बदलें। दूसरा, वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी फटी जेब वाला कपड़ा पहनकर हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। फटी हुई जेब दुर्भाग्य लेके आती है और फटी हुई जेब के कारण कभी भी हमारे पैसों में ठहराव नहीं रहता है। व्यवहारिक तौर पे भी देखा गया है, अगर कोई फटी हुई जेब का कपड़ा पहनेगा और अगर गलती से हम उसमें पैसे डालेंगे तो वो गिर जाएगा। तो इसीलिए फटी हुई जेब का कपड़ा कभी भी नहीं पहनना चाहिए और हमेशा फटी हुई जेब का वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आजकल जीन्स में फैशन चला हुआ है फटी हुई जीन्स पहनने का। जरूर पहनिए, मगर ये जरूर चेक कर लीजिए, जेब के आसपास का कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपकी घड़ी बंद हो गई है या खराब हो गई है, तो जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। बंद घड़ी कभी नहीं पहनना चाहिए, ना अपने घरों में दीवार पे टंगी हुई होनी चाहिए। अगर अपने घड़ी की बैटरी कम हो गई है या खत्म हो गई है, तो इमिडिएटली उसमें बैटरी बदलें, और अगर घड़ी खराब हो गई है, तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। बंद घड़ी नेगेटिविटी अपने साथ लाती है, इसीलिए कभी भी बंद घड़ी ना तो अपने कलाई पे पहने, ना अपने घर के दीवालों पे टंगी रहने दें। यह जीवन में ठहराव दर्शाता है और जीवन में प्रगति के लिए ठहराव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चौथी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार पुराना टिकट कभी भी आपके पर्स में नहीं होना चाहिए। पुराना टिकट पर्स में रहेगा तो अनावश्यक यात्रा का संयोग बना रहता है, और अगर आप अनावश्यक यात्रा करेंगे तो फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए कभी भी अपने पर्स में, अपने पास में पुराना टिकट, रेल का, बस का, हवाई जहाज का बिल्कुल भी ना रखें। हाँ, ये बात और है कि अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो पुराना टिकट जरूर रखिए अपने पर्स में, इससे आपकी यात्रा का संयोग बना रहेगा। पांचवी और आखिरी बात दोस्तों, कभी भी अपने पर्स में फटा हुआ नोट नहीं रखना चाहिए। ना अपने पर्स में रखिए, ना अपने जेब में रखिए। फटा हुआ नोट अगर आप अपने पर्स में या जेब में रखोगे, तो उसके और ज्यादा फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गलती से अगर आप किसी को फटा हुआ नोट देते हो, तो आप अपमानित भी हो सकते हैं। ये अपमान का भी एक जरिया बन सकता है व्यवहारिक तौर पे। प्लस फटा हुआ नोट नेगेटिविटी लेके आता है अपने साथ में, इसीलिए अगर आपके पास गलती से फटा हुआ नोट है या कहीं से आ जाए, तो उसे चिपका दीजिए, और चिपकाने के बाद में कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां आपकी नजर कभी भी उस पे ना जाए। इसके अलावा अपने पर्स में या जेब में कभी भी ब्लेड और छुरी भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इन 5 बातों का ध्यान रखिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, तो कभी भी हमें आर्थिक तौर पे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।